ठीक है जी, 3 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या रिस्पांस रहा, क्या रहा वहाँ पर, बताइए जरा। कोई रिस्पांस नहीं रहा है, प्रशासन हमें सिर्फ भड़का रहे हैं, बहुत ही परेशान किया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे एनएम बन के, जो बहुत दूर से आए हैं, दूध की परेशानी हो रही है और हर तरीके के, हर मतलब घर से छोड़ कर आए हैं यहाँ पर लेडीज़, जिन्हें हर तरीके से परेशान किया गया और कल पुलिस का बल भी प्रयोग किया गया यहाँ पे। हमने रोड से हम जाने चाहा तो उन्होंने हमारा रोड जाम कर दिया, हमें जाने नहीं दिया, लाठी चार्ज करने की हम पे कोशिश की गई थी। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने यहाँ पे पिन लगाया है और मेरे कपड़े तक फट गए हैं, इतनी बुरी तरीके से हम लोग की बदसलूकी की गई है। इसलिए अब आप आगे देखिए कि आप हमें मतलब सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचा दीजिए कि हमारी मांग जो है जायज़ मांग है उसको आप मनवाइए। तो क्या कल किसी से वार्ता हुई आपकी? कल किसी से कोई वार्ता नहीं करवाई, जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी गए हैं वो उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया, कुछ नहीं दिया है कि 2018 में होगा जब सरकार बनने से पहले। प्लीज करके हमारी बात जो है ये सीएम तक पहुँचाई जाए, हमारी बात अभी सीएम तक नहीं पहुँचाई जा रही है। प्लीज आप लोग पहुँचाइए, राष्ट्रपति जी से हम अपील करते हैं कि आप हमारी ये मैसेज उन तक पहुँचा दीजिए राष्ट्रपति जी, कि आप हमें इच्छा मृत्यु का आदेश कीजिए, नहीं तो परमानेंट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना अच्छा है। हम 10,000 एनएम में हम सब मरना चाहते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का आदेश कर दीजिए।